हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं भोरम देव मंदिर, जो कि रायपुर से 125 किलोमीटर दूर में स्थित है भोरम देव मंदिर। तो आज हम आप लोग को दिखाने वाले हैं दोस्तों भोरम देव मंदिर का सुंदर नज़ारा और वहां का सुंदर वातावरण। तो चलिए दोस्तों निकल पड़े वहां के लिए। दोस्तों बेमेतरा जिले का मेन चौक रायपुर जाने वाला रोड भी बन रहा है, आगे दिखाता हूँ। ये है मेन चौक बेमेतरा जिले का। तो दोस्तों हम लोग बेमेतरा जिले से निकल चुके हैं। बेमेतरा से बता रहे हैं कि भोरम देव का मंदिर जो है 60 से 65 किलोमीटर और दूर है। दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि कवर्धा ज़िला शक्कर के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ गन्नों की खेती अधिक होती है। तो हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि देखिए आसपास के खेतों में गन्ने की ही लगे हुए हैं, आसपास पूरे गन्ने का ही फसल उगाते हैं यहाँ के निवासी जो हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं धर्म नगरी कवर्धा में। यह है दोस्तों कवर्धा। अब हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है भोरम देव मंदिर से, यहाँ से लगभग 17 से 18 किलोमीटर बता रहे हैं भोरम देव मंदिर को। यह दोस्तों कवर्धा का मेन चौक। दोस्तों आ गया मैं भोरम देव, भोरम देव जाने का रास्ता, और अब हम फाइनली पहुंचने ही वाले हैं भोरम देव मंदिर। हेलो फ्रेंड्स, बाइक चला के हालत खराब हो गई है। इधर जो है ऊपर वाला जो पर्वत दिख रहा है उस मंदिर में जाएंगे अभी, इस पहाड़ में चढ़ने वाले हम लोग। पीछे जो है और मंदिर है, भोरम देव मंदिर है पीछे है, तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पर दोस्त लोग को उनके कोई पहचान का मिल गया है, तो उससे बातचीत करते हुए दोस्तों हम लोग अब सीढ़ी चढ़ेंगे। दोस्तों बता रहे हैं कि ये सीढ़ी जो है कुल 280 सीढ़ी है। ऊपर में माता जी का मूर्ति स्थापित है वहाँ पे, और मंदिर है। अब हम दोस्तों मंदिर में माता जी के दर्शन करके नीचे आ गए हैं। अब हम फाइनली जाने वाले हैं भोरम देव मंदिर। यह है दोस्तों नीचे का नज़ारा। ये नज़ारा और सुंदर दृश्य हम प्रवेश करते हुए दोस्तों यह है दोस्तों पास के मंदिर के पास में दुकान लगा हुआ है नारियल का, खिलौने का। यह है दोस्तों तालाब, जो कि बहुत ही प्राचीन तालाब है। यह जो तालाब जो है, और हम प्रवेश कर चुके दोस्तों मंदिर परिसर में। आप देख रहे हैं मंदिर परिसर जो है बहुत ही बड़ा जगह पर फैला हुआ है और बहुत ही बड़ा है। और ये है दोस्तों भोरम देव मंदिर। मेरे साथी लोग मंदिर में प्रवेश करते हुए, उनके साथ मैं भी मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। यह मंदिर बहुत ही सुंदर और कलात्मक है। यह मंदिर जो कि 1000 वर्ष प्राचीन मंदिर है। मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो पूर्व दिशा में है। मंदिर में तीन ओर से प्रवेश किया जा सकता है। ये तीसरा प्रवेश द्वार है।
तो दोस्तों मंदिर के चारों ओर पर्वत हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। इनके बीच में भोरम देव मंदिर है। इस मंदिर की बनावट जो है दोस्तों वो खजुराहो तथा कोणार्क की मंदिर के समान है, जिस कारण से लोग इस मंदिर को छत्तीसगढ़ के खजुराहो भी कहते हैं। दोस्तों यह मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजा गोपाल देव ने बनवाया था। कहा जाता है कि भोरम देव गोल राजाओं के देवता थे, वे भगवान शिव के उपासक थे। मंदिर की बनावट बहुत ही सुंदर व कलात्मक है। मंदिर के चारों ओर बाहरी दीवारों पर विष्णु, शिव, चामुंडा तथा गणेश जी आदि की मूर्तियां लगी है। अब हम लोग जा रहे हैं दोस्तों वोट की सवारी करने। Got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. भोरम देव के मंदिर से लगा हुआ ये गार्डन है। यहाँ पर आप आराम से बैठकर पिकनिक मना सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए झूला और अलग अलग मनोरंजन के साधन हैं, तो यहाँ आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। भोरम देव मंदिर के दर्शन कर लेने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं दोस्तों मड़वा महल, जो कि भोरम देव से पास में ही है। तो हम लोग अब मड़वा महल जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग मड़वा महल आ चुके हैं। दोस्तों मैं इस मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा। इस प्राचीन मड़वा महल के दो प्रमुख अंग हैं, एक शिव मंदिर और दूसरा मंडप। यह मड़वा महल 16 स्तंभों के आधार पर टिका हुआ है। यह मड़वा महल भगवान शिव का ही एक मंदिर है, जो देखने में भोरम देव मंदिर की तरह ही है। आसपास के लोगों का कहना है कि इस मड़वा महल का निर्माण 6 माह के रात्रि काल में कराया गया था। मड़वा महल के बीच में शिव जी और नंदी जी का मूर्ति स्थापित है। प्रवेश द्वार में माँ भगवती कलश लिए और शिव जी की मूर्ति है, साथ में कछुआ और नंदी जी का भी मूर्ति स्थापित है, और ऊपर में गणेश जी और शेषनाग की प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ अंदर में गर्भखोल में प्रवेश करने पर यहाँ दिव्य शिवलिंग है। इसकी विशेषता यह है कि यह जल अभिषेक करने पर जल कहाँ भूमिगत होता है इस बात का पता ही नहीं चलता। दोस्तों मड़वा महल के दीवारों में बेहद ही सुंदर कलाकृतियों से युक्त काम उत्तेजक मूर्तियां स्थित है, जो 54 विभिन्न मुद्राओं से भरपूर है। यह सारे आसन कम सूत्रों से प्रेरित मूर्तियां हैं। यह वास्तव में अनंत गोपनीय प्रेम का सुंदर प्रतीक है। अब हम लोग निकल पड़े दोस्तों छेरकी महल के लिए। अब हम जा रहे हैं छेरकी महल। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों छेरकी महल। ये है दोस्तों छेरकी महल। दोस्तों छेरकी महल जो भोरम देव मंदिर के पास में ही है, जो खास विशेषता है वो यहाँ है दोस्तों कि यहाँ से बकरियों के शरीर का गंध आता है,
स्थानीय बोली में बकरियों को छेरी कहा जाता है, इसीलिए इस मंदिर को बकरी चराने वाले को समर्पित किया है। इस छेरकी महल के अंदर शिव जी का शिवलिंग स्थापित है। दोस्तों, यहाँ छेरकी महल के बाहरी दीवारों में सुंदर कलाकृतियों एवं भगवानों की मूर्तियाँ स्थापित है। अगर आप लोग धर्मनगरी कवर्धा भोरमदेव मंदिर नहीं आए हैं तो एक बार आप ज़रूर आइएगा, बहुत ही सुंदर जगह है और दार्शनिक जगह है, तो आप एक बार ज़रूर आइएगा और इस जगह का आनंद लीजिएगा। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।